जय श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों अभी कुछ दिनों से हम लोगों का वीडियो एकदम रेगुलर तरह से नहीं आ पा रहा है। उसके बहुत सारे रीज़न हैं जो वीडियो नहीं आ पा रहा है, तो उनमें से एक सबसे बड़ा रीज़न है ये। दूसरा रीज़न है जो मैं अदर जो स्किल सीख रहा हूँ उसका भी आना मेरे जीवन में। और तीसरा रीज़न है कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो अब मैं वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करता रहूँगा, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला अभी दो चार दिनों, मतलब दो तीन दिन तो हो ही गया जो मुझे टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन अब कोशिश करूँगा कि इस ब्लॉग को पूरा एक डेडिकेटेड तरह से हम लोग जारी रख पाएँ, मतलब कंटिन्यू रख पाएँ। वैसे कहीं ना कहीं मैं भटक जाता हूँ बार बार, देखो वीडियो चालू करता हूँ फिर सीधा शाम को टाइम मिलता है जाके। तो चलिए आज मैं अभी स्टार्ट करूँगा अपनी सबसे पहली जो मेरी ये बुक है योग की पूर्णता। आप देख सकोगे अभी आपको ये इसमें उल्टा दिखेगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये योग की पूर्णता है। इसमें मैंने चार चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और अब इसके तीन चैप्टर बाकी, शायद इसमें टोटल आई थिंक आठ चैप्टर हैं। तो मतलब मैंने चार कंप्लीट कर लिए और चार ही अभी बचे हुए हैं, तो इन्हें जल्दी से मैं कंप्लीट कर लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं अपनी जो हिस्ट्री की रीडिंग है बुक रीडिंग, तो हिस्ट्री की बुक रीडिंग स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपनी इस बुक को कंप्लीट करने के बाद। सो फाइनली गाइज, कई टास्कों को कंप्लीट करने के बाद अब मैं कहीं जाके फ्री हुआ। आज मैंने मतलब दो तीन टास्क कंप्लीट कर दिए हैं। एक तो पहले तो मैंने जो ये बुक पढ़ रहा था ना, मैंने बताया था ना जो ये बुक है योग की पूर्णता, इसका दो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मतलब अब बचा है सात और आठ, दो ही चैप्टर रह गए हैं। चार तक तो उस दिन कंप्लीट कर दिया था, मतलब कल, और आज दो छः हो गए। मतलब छः, पाँचवा चैप्टर ना काफ़ी लंबा था, तो अब दो चैप्टर इसके रह गए हैं। और भगवद गीता में अभी जो पहला अध्याय है कुरुक्षेत्र में गीता, अभी उसी के 49वें श्लोक तक पहुंच गया हूं मैं। 49वें श्लोक तक, मतलब 49वां पेज है, सॉरी 49वें पेज तक पहुंच गया। 57वें पेज तक जो सेकेंड मतलब पहला वाला वो है, तो उसका भी बस 9-10 पेज रह गया है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा जल्दी ही। और मैं अभी अपनी जो तैयारी है वो अभी नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न एक सिंपल सा रीज़न है, अभी मैं थोड़ा मतलब अलग टाइप के कामों में अभी व्यस्त हूँ। और अब जल्दी ही हम लोग फिर से अभी बाउंस बैक करेंगे। देखो मेरी जो वो ये बुक निकली रखी है ना, देखो आप देख सकते हो ना, इस पर मैं अभी प्रैक्टिस करने ही, मतलब प्रैक्टिस करना इसकी स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये, तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने होंगे। उससे क्या है, मुझे सिलेबस की जानकारी सही से मिलेगी। और ये जो अभी दो तीन काम मैंने करने स्टार्ट कर दी, जो ये मैथ है ना RS अग्रवाल का, तो उसकी मैंने अभी मतलब लेक्चर देखना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अभी मैं बच्चों को भी पढ़ाता हूँ और दो सालों से मैंने मैथ छोड़ दिया था, तो मैथ को भी, क्योंकि CSAT में मैथ भी आपको पता है इम्पोर्टेंट है, तो CSAT वाला मैथ भी मैं कंप्लीट करने के चक्कर में पहले बेसिक मैथ को कंप्लीट कर दूँ जल्दी से, फिर मैं उसे अपने एडवांस लेवल पर लेके चला जाऊँगा जल्दी से। और मुझे अलग टाइप मतलब इंग्लिश, जो इंग्लिश रखी, देखो ये इंग्लिश की, देखो ये भी रखी है, आप देख पाओगे ये रखी, मतलब ये इंग्लिश की बुकें रखी हैं, और इंग्लिश को भी कंप्लीट करना पड़ रहा है, क्योंकि जो इंग्लिश है, इंग्लिश भी मैं पढ़ाता हूँ, मैथ भी पढ़ाता हूँ, और हिंदी तो बेसिक सी बात है, उसमें ऐड हो ही जाती है, तो उसमें हिंदी में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बस अब यही सारी चीज़ें कंप्लीट करने की वजह से मैं अपनी अभी पढ़ाई को थोड़ा डिले कर रहा हूँ, और ऑनलाइन क्योंकि लेक्चर काफ़ी हो जाता है। और एक बात गाइज मैं आपके साथ शेयर और ज़रूर करना चाहूँगा कि मैं अपना मोबाइल पे टाइम अभी तीन दिनों से कुछ ज़्यादा ही स्पेंड करने लगा हूँ, यानी कि लेक्चर देखना और प्लस उसमें वीडियो के चक्कर में पड़ा रहना, ये मेरी सबसे बड़ी मतलब गलत हैबिट पड़ने लगी है, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं प्रयास करूँगा कि जल्दी से जल्दी इस हैबिट को छोड़ दिया जाए, क्योंकि अभी लगी नहीं है ना, स्टार्ट किया है। तो चलिए मैं अब जा रहा हूँ अभी मार्केट, तो मार्केट से अभी थोड़ा सब्जी ले आऊँ और घूम भी आऊँ, क्योंकि पूरा दिन हो गया इसी रूम में बैठे बैठे। सुबह मैं लगभग 9 बजे के टाइम आ गया था, 9 बजे से इसी रूम में हूँ तब से, मतलब थोड़ा गया था बाहर,
आई थिंक 1 बजे के टाइम बाहर गया था, तब जीजा जी खाना खाने आए थे। तो फिर उस समय मैं बाहर गया, उसके बाद फिर से अंदर आ गया 1:30 बजे के टाइम। उसके बाद से अभी तक अंदर हूँ और अभी टाइम हो गया है बिल्कुल करेक्ट 4 बज गया है। तो बस 5 बजे क्योंकि बच्चे आएंगे, तो अभी मैं जाके खाना वो सब्जी ले आऊँ, सब्जी लेके रख दूंगा। तो फिर क्या है, दीदी अपना खाना पीना बनाती रहेंगी, फिर मैं बच्चों को पढ़ाने लगूंगा क्योंकि उस समय फिर मैं व्यस्त हो जाऊंगा और फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद मैं जो बच्चों को पढ़ाने के बाद लेक्चर देखूंगा फिर से, क्योंकि अभी मैं अलग स्किल जैसे एफिलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग और स्टॉक मार्केटिंग मतलब स्टॉक मार्केटिंग और शेयर मार्केटिंग, मतलब इन सारी चीज़ों की स्किल अभी प्राप्त कर रहा हूँ। तो मतलब उन्हीं चीज़ों को सीख रहा हूँ, तो इसकी वजह से और मेरा थोड़ा टाइम खर्च हो रहा है ज़्यादा, और उसी की वजह से मैं थोड़ा मोबाइल में ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व हो गया हूँ। पर मैं जल्दी ही इस लत से बैकअप करूँगा, क्योंकि मुझे पता है मोबाइल से मेरा माइंड और ज़्यादा मतलब डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई गलत वीडियोस देखने लगता हूँ, मतलब वो नहीं है, जैसे इंस्टा पे बार बार रील को देखना, अपना ही यूट्यूब चैनल की बार बार वो चीज़ें चेक करना कि एनालिसिस की कितना व्यूज आया क्या नहीं है, ये चीज़ों में ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है, बार बार उन्हीं चीज़ों में चले जाना। तो इसी की वजह से मैं आपसे ये मैंने आपके साथ शेयर करना इम्पोर्टेंट समझा। तो चलिए गाय, जब हम लोग मिलते हैं पहले सब्जी ले आऊँ, उसके बाद फाइनली गाइज अभी मैं आपसे बहुत समय बाद दोबारा इंटरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब व्यस्तता आ गई थी और जिसकी वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिला। एक्चुअली मेरे पापा अस्पताल में भर्ती हैं, सभी को पता है, मेरी माँ के भी पेट में पथरी है, पथरी समझते हैं ना, तो वो है, और उनका भी अब ऑपरेशन होगा। इनकी उनके भी 2 दिन पहले पेट में दर्द उठा और उन्हें भी चेकअप करवाया गया, तो पता चला उनके पेट में भी पथरी है, तो उनका भी ऑपरेशन होगा। यानी दोनों लोग अब हॉस्पिटल में ही हैं, तो मैं वहीं सैफे ही जा रहा था, तो एकदम से प्लान बना कि मैं सैफे जा रहा हूँ, और फिर इसकी वजह से मैंने ब्लॉक अपना जो कल वाला है वो कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तो मतलब कुछ देर तक हम लोगों का कंटिन्यू रहा, उसके बाद फिर कंटिन्यू नहीं मैंने कर पाया, फिर शाम के टाइम थोड़ा हम लोग मिल पाए, है ना। उसके बाद गए जो अब मुझे मतलब माँ ने कहा कि अब तुम रहने तो दीदी गई हैं, तो दीदी वहाँ गई हैं और मैं यहाँ अभी हूँ, क्योंकि अभी देव मान अभी सभी लोग यहाँ पर हैं और दीदी वहाँ। तो चलिए कोई बात नहीं, जीवन में समस्याएं तो आती रहती हैं, पर ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड, बिकॉज हम लोग ना एक मनुष्य हैं, और मनुष्य जीवन में अगर समस्याएं नहीं है तो जीवन ही कैसा, क्योंकि समस्याओं से समाधान मिलते हैं, है ना, ना कि समाधान से समस्याएं, मतलब जब समस्याएं होंगी तो समाधान ढूंढते हैं हम, जब समाधान मिल जाता है तब तक और समस्याएं आती हैं, फिर हम उनका समाधान ढूंढते हैं, तो इसी का नाम जिंदगी है। तो चलिए गाइस, हम लोग अभी सबसे पहले अपनी इस किताब को जो मेरी थोड़ी रह गई थी आज, इसे हम पहले हम पूर्ण कर देते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको भगवद गीता की स्टडी के साथ, और फिर आप आज से अपना लेक्चर कंप्लीट अभी करना है मैथ का, तो चलिए मिलते हैं हम लोग। सो गाइज, मैं अभी बैठा हूँ अपने रूम में ही, और अभी टाइम हो चुका है 4:20, यानी कि 5 बजने वाले हैं, और अभी मैं बिल्कुल नहा धो के बिल्कुल मतलब रेडी बैठा हूँ। तो आई होप आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा, और क्योंकि अभी आज संडे है तो फिर मैं आज सभी का लूँगा टेस्ट, तो उसके लिए फिर अभी मतलब मुझे जाना होगा। तो चलिए, आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर ब्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलिए और हम मिलेंगे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। गाइज ये ब्लॉग काफ़ी लेट हुआ तो उसके लिए आपको आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी जर्नी के बीच में काफ़ी चीज़ें अभी होंगी जो मैं रेगुलर नहीं कर पाऊँगा, बाकी मैं प्रयास लगातार करता रहूँगा, जहाँ तक होगा कोशिश करूँगा रेगुलरिटी बनाने की। तो चलिए मिलेंगे अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।